दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है स्पेशली हमारे प्यारे बच्चों के लिए। तो आज हम बनाएंगे एक आयरन रिच हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये परांठे बहुत ही ज़्यादा चटपटे और मज़े के बनते हैं। इसकी फिलिंग हम इतनी चटपटी बनाएंगे कि बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और इसके साथ खाने के लिए हमें सब्जी या दही की ज़रूरत नहीं है। ये परांठे ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि एप्पल और बीटरूट एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आयरन के लिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एक एप्पल और 1/4 पीस बीटरूट का। इसे मैंने छील कर अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। और मैंने यहाँ पर लिए है एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा। इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा गूंद रही हूं। ये जो क्वांटिटी मैंने ली है वो लगभग 3 पराठों के लिए सफिशिएंट है। आटा अब हमारा गूंद चुका है। अब मैं इसमें 2 से 3 बूंदे घी की डालूंगी और फिर से 1 मिनट के लिए आटे को गूंद लूंगी। इससे हमारा आटा सॉफ्ट बना रहेगा। अब हम आटे को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे और तब तक हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 छोटी चम्मच घी यूज़ किया है। आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ एप्पल और बीटरूट मैं डाल रही हूँ। गैस फ्लेम को इस समय मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। ये एक अच्छा तरीका है बच्चों की डाइट में आयरन इंक्लूड करने का। द हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम द हेल्दी इनसाइड। तो ये एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है आपके बच्चों के लिए। इसमें अब नमक डालिए अपने स्वाद के अनुसार और मैं इसमें अब 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें हमें 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर डालना है और डाइजेशन के लिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ। इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा सा इसे खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें 1 छोटी चम्मच गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। गैस स्टव को इस समय लो कर दीजिए और लो आंच पर हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। इसे भूनना है तब तक जब तक कि इसका पूरा पानी सूख ना जाए। और जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तो इसे निकाल कर हम इसे ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। तो हमारे परांठे की फिलिंग अब पूरी तरीके से रेडी है। इसे हमें अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है। दूसरी तरफ हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसे भी निकाल कर 1 मिनट के लिए गूंद लीजिए। परांठा बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि हमारे फिलिंग अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब मैंने 1 पेड़ा आटे का लिया है, उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा वरना फिलिंग इससे बाहर निकलेगी। अब मैं इसमें लगभग 2 छोटी चम्मच फिलिंग की भर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिए फिलिंग अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए तभी उसे यूज़ करें, वरना परांठे फट जाएंगे। अब इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए बंद कर दीजिए। इसे धीरे धीरे चारों तरफ से हल्का हल्का प्रेस करिए ताकि इसके अंदर की फिलिंग इवनली सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है और अब हम इसे बेलेंगे। तो अब हल्के हाथों से हमें परांठे को गोल बेलना है। अगर फिलिंग कहीं से थोड़ी बहुत बाहर निकल रही है तो उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करिए और फिर से उसे बेल लीजिए। तो हमारा परांठा अब बेलकर पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसे सेकते हैं। इसके लिए मैंने परांठे को तवे के ऊपर रखा है और गैस फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है। पहले हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से सेकेंगे।
जब हमारा परांठा हल्का हल्का सिक चुका है तो अब हम इसकी दोनों तरफ एक एक चम्मच घी लगाएंगे। क्योंकि ये परांठा हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम परांठे को अच्छी तरीके से सेक लेंगे ताकि वो अच्छे सा क्रिस्पी बन जाए। तो परांठा अब रेडी है, इसे हम सर्विंग प्लेट पर निकाल कर रखेंगे और इसके साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा सैलेड यूज़ कर रही हूँ ताकि ये देखने में बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक देना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो सी यू नेक्स्ट विद अ न्यू रेसिपी, टिल देन बाय, थैंक यू।